डैश डाइट से करें आपका हाई ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए दूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी यादव, आपकी अपनी डाइटिशियन कम फ्रेंड, और आज हम बात करेंगे डैश डाइट के बारे में और जानेंगे क्या होता है डैश डाइट। पर सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। दोस्तों, डैश डाइट, इसका फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब आपकी डाइट से, आपके खाने पीने से हम किस तरह से आपके हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो डैश डाइट है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डैश, ये जनवरी 2018 में सबसे बेस्ट डाइट प्लान है अकॉर्डिंग टू US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, और ये दुनिया की सेकेंड नंबर की डाइट प्लान है टू कंट्रोल डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है, और आपके हाइपरटेंशन, बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का डाइट प्लान है इस साल 2018 में। डैश डाइट फूड्स और वेजिटेबल से रिच होती है। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, ताज़े फल, ये सब इस डाइट में हम इंक्लूड करते हैं। जितनी भी आपके पास हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वो लीजिए, ताज़े फल खाइए, साबुत अनाज खाइए, बिना क्रीम का मिल्क लीजिए, बिना मलाई का मिल्क लीजिए। बेसिकली हमें फैट रिमूव करना है तो हम बिना मलाई का मिल्क लेते हैं। इसमें सभी प्रकार की दालें खाइए जो भी आपके पास है, चौला फली की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास, काजू, बादाम, किशमिश, मूंगफली, वो लीजिए। जितने भी मार्केट्स में नट्स अवेलेबल हैं, मूंगफली है वो खाइए, अलसी के बीज हैं वो खाइए। आपको आपकी डाइट में फैट रिमूव करना है, ऑयल नहीं लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको शुगर और शुगर से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी है या कम करनी है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि आपको शक्कर और शक्कर से बनी हुई चीज़ें कम खानी है, नमक कम खाना है या हो सके तो नहीं खाना है, सिगरेट बिल्कुल नहीं लेनी है, अल्कोहल का कंजप्शन मतलब शराब का सेवन बंद करना है। चलिए दोस्तों, वापस से एक चेक लिस्ट देखते हैं, हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। ताज़े फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, बिना मलाई का दूध, काजू, बादाम, अखरोट, सभी प्रकार की दालें, अलसी के बीज खाने हैं, ऑयल, फैटी चीज़ें, शक्कर, शक्कर से बनी हुई चीज़ें, सिगरेट, शराब, ये नहीं लेना है। ये आपको डैश डाइट में याद रख। दोस्तों, जब आप डैश डाइट पर होते हैं और जब आप इस तरह का खान पान लेते हैं तो ये होता है कि जो आपका बीपी बढ़ गया है वो कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। नॉर्मल बीपी जो होता है वो होता है 120/80 mmHg, और जब आप डैश डाइट लेते हैं तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है मतलब 120, वो 6 mmHg कम हो जाता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mmHg, जो नीचे की तरफ होता है, वो 3 mmHg कम हो जाता है। तो आपने ये देखा कि हाइपरटेंशन में आपका हाई बीपी इस तरह से कम हो जाता है। ये US की इस स्टडी के माध्यम से पाया गया है, और इस साल जनवरी 2018 में इसको बेस्ट डाइट प्लान है घोषित किया गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पालें तो आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हाई बीपी आपको बचपन से नहीं था। तो आप ट्राई कीजिए, ट्राई एंड फेल बट नेवर फेल टू ट्राई। अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी हार मत मानिएगा। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।